बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सब्जेक्ट इंग्लिश, वर्कबुक 2, ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 21। आज हम चैप्टर द कैमल एंड द गोट की रीडिंग करेंगे, हाफ चैप्टर की रीडिंग करेंगे और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट हाफ की रीडिंग करेंगे। सो रीड करती हूँ मैं, आप लोग भी मेरे साथ साथ रीडिंग कीजिएगा। वन डे अ कैमल एंड अ गोट वेंट फॉर अ वॉक, दे केम टू अ फार्म। एक दिन जो है ऊंट और बकरी वॉक के लिए गए। दे केम टू अ फार्म, वो फार्म के पास पहुँचे। फार्म किसे कहते हैं? फार्म उसे कहते हैं जिसमें जानवर वगैरह होते हैं ना। द फार्म हैड टॉल ट्रीज ऑल अलॉन्ग इट फेंस, द फार्म हैड टॉल ट्रीज ऑल अलॉन्ग इट फेंस। जो जंगला था, जंगले में जो है टॉल ट्रीज थे, ऊंचे ऊंचे दरख्त थे। द टू फ्रेंड्स कुड नॉट गेट इन टू द फार्म बिकॉज द फेंस वॉज वेरी हाई। जो दो दोस्त थे वो फार्म में नहीं जा सके क्योंकि फार्म मतलब के फेंस बहुत ऊंचा था, जंगला जो है बहुत ऊंचा था, बहुत इसलिए वो नहीं जा सके। बट दे सॉ मैनी ग्रीन ब्रांचेस हैंगिंग ओवर द फेंस, लेकिन वो ये देख सकते थे जो जंगले में जो है ट्रीज, टॉल ट्रीज थे ना, उसमें ग्रीन शाखें जो हैं पत्तों की वो नज़र आ रही थी। द कैमल वॉज टॉल, कैमल जो है वो बहुत लंबा है। सो इट वॉज एबल टू ईट द लीव, तो वो जो है इस काबिल था कि वो पत्ते खा सके क्योंकि वो ऊंचा है और जंगला भी मतलब ट्रीज भी ऊंचे थे। इट एट एंड एट अंटिल इट्स स्टमक वॉज फुल, और वो खाता गया जब तक उसका पेट नहीं भरा। द गॉड डिड नॉट गेट एनी लीव्स टू ईट, और जो बकरी थी ना वो नहीं खा सकी, कोई भी पत्ता नहीं खा सकी वो। द कैमल लाफ एंड सैड, कैमल जो है वो हंसा और बोला, ओ फ्रेंड गॉड, उसने गॉड को फ्रेंड कहा और बोला, इट इज़ बेटर टू बी नाइस एंड टॉल, मतलब इससे बेहतर यही है कि जो मैं लंबा हूँ और नाइस हूँ तो इसीलिए मैं ये खा सका हूँ, इससे बेहतर है तुम छोटी हो, मतलब तुम छोटी। उसने अपनी दोस्त को छोटी कहा तो अपने आप को उसने अच्छा कहा। ठीक है, आज हमने हाफ चैप्टर की रीडिंग की है और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट हाफ की रीडिंग करेंगे, तो फिर हम स्टोरी कंप्लीट करेंगे, फिर हम देखेंगे कि पूरी स्टोरी में क्या मतलब पता चला। और किसी पे हंसना नहीं चाहिए, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, हर किसी के अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। सो कैमल ने गोट को बुरा कहा ना, उसने अपने आप को बेटर कहा। ठीक है, दे वॉक ऑन, सून दे रीच अ वेजिटेबल गार्डन, फिर वो आगे चलते हैं, दोनों आगे चलते हैं। तो कुछ देर बाद वो जो है एक वेजिटेबल गार्डन मतलब सब्जियों के जो है बाग में पहुंचते हैं। दिस टाइम द गॉड सॉ अ स्मॉल गेट दैट वॉज ओपन, तो ये जो टाइम होता है जब वो वहाँ पर पहुंचते हैं तो ये गॉड का टाइम होता है क्योंकि उसका स्मॉल गेट होता है गार्डन का, तो जो है गॉड खोलती है और अंदर चली जाती है गार्डन के। ठीक है, इट रश इन एंड हैप्पीली एट अ प्लेंटी ऑफ फ्रेश जूसी वेजिटेबल्स, और फिर जब वो अंदर जाती है गार्डन के अंदर तो वो बहुत इजीली फ्रेश और एंड जूसी वेजिटेबल्स खाती है। द कैमल वॉज टू बिग टू गेट थ्रू द गेट, और कैमल वहाँ से नहीं जा सकता था, उस गेट से अंदर नहीं जा सकता था क्योंकि कैमल लंबा है। After eating its fill, the goat came out of the garden. It said to the camel, उसके बाद खाने के बाद fresh juicy vegetables खाने के बाद बहुत ताज़ा और juicy juicy vegetables खाने के बाद goat बाहर आती है garden से बाहर आती है और camel को कहती है, oh friend camel, don't you think it is sometime better to be small? कुछ मत सोचो, मतलब तुम्हारी थिंकिंग गलत थी, वो उसको ये बोलते हैं। और कभी कभी जो है ये भी अच्छा होता है कि छोटे रहना भी अच्छी बात है, मतलब मैं छोटी हूँ ना तो मैं अच्छी हूँ, वो ये बोलती है कि कभी कभी बड़े होने से बेहतर है छोटा होना ही मतलब बेहतर है। द कैमल एंड द गोट नाउ अंडरस्टूड दैट इट वॉज गुड टू बी द वे ईच वॉज मेड, तो कैमल और गोट जो है वो समझ जाते हैं कि जो भी हुआ हमारे लिए अच्छा हुआ। जब हम चल रहे थे पहले जो है कैमल के साथ अच्छा हुआ, उसने
लीव्स खाए, पत्ते खाए और फिर उसके बाद गॉड के साथ अच्छा। तो इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि किसी को बड़ा या छोटा या किसी को कमतर या ज़्यादा नहीं कहना चाहिए, सब बराबर होते हैं और अल्लाह ताला ने हर एक इंसान के लिए बेहतर टाइम या बेहतर चीज़ें बनाई। व्हाट विल यू से इन दिस सिचुएशन, कंप्लीट द सेंटेंसेस, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आप लोगों के पास इस पेज पे पिक्चर्स हैं, आपने पिक्चर्स को देखते हुए सेंटेंस लिखना है कि इस सिचुएशन में क्या सेंटेंस हो सकता है। सबसे पहला है आप लोगों के पास, प्लीज़ थ्रो दिस इन द डस्टबिन। ठीक है, आप लोगों के पास पहला तो कंप्लीट है। ठीक है, क्योंकि वो बनाना खा रहा है बच्चा, तो उसकी मदर कह रही है कि ये डस्टबिन में डाल लें। नंबर टू है, प्लीज़ क्लोज द विंडो। आप लोगों को पिक्चर नज़र आ रही है ना, जैसे पिक्चर में सिचुएशन है उस हिसाब से हमने सेंटेंस लिखना है। नंबर थर्ड है, डोंट रन ऑन द स्टेयर्स, सीढ़ियों पर नहीं भागो। नंबर फोर है, प्लीज़ वॉश योर हैंड। नंबर फाइव, डोंट मेक अ नॉइस, शोर नहीं करो। नंबर सिक्स, प्लीज़ हैव सम बिस्किट्स। ठीक है, वो उन्हें कह रही है ना कि आप बिस्किट्स लीजिए। पेज नंबर 25 पे आ जाएं, लर्न टू राइट, राइट अ लेटर टू योर बेस्ट फ्रेंड यूजिंग द पिक्चर टू हेल्प यू। इस लेटर में आप लोगों को छोटी छोटी पिक्चर्स दी हुई है ना, इसको पिक्चर्स को यूज़ करते हुए आप लोगों ने लेटर लिखना अपने बेस्ट फ्रेंड को। द नेम ऑफ योर सिटी टाउन, कराची, हमारी सिटी का नाम कराची है। डेट लिखनी है आप लोगों ने, माय डियर फ्रेंड, आई हैव समथिंग नाइस टू टेल यू माय अंकल एंड आंट। यहाँ पर ब्लैंक में आंट आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर पिक्चर बनी हुई है अंकल एंड आंट की। हैव गिवन मी आ लिटल पपी। ठीक है, ये डॉग का बेबी है तो इसे प्यार से पपी कहते हैं, यहाँ पर बना हुआ। आई हैव कॉल हिम रैम्बो, रैम्बो लव्स चेजिंग आ बॉल, ही ऑल्सो लव्स चेजिंग मी, आई गिव हिम मिल्क इन आ प्लेट, वी गो फॉर आ वॉक एवरी मॉर्निंग, डू यू नो वॉट रैम्बो डज, ही बार्क्स एट अदर डॉग्स, ऑल ऑफ हु आर मच बिगर देन हिम, यू विल लाइक माई पपी आई एम श्योर। यहाँ पर नीचे योर फ्रेंड, आपने अपना नाम लिखना है जब आप ये लेटर करेंगे, तो आपने अपना नाम लिखना है इस लेटर में। एक मतलब आपने अपने बेस्ट फ्रेंड को लेटर लिखा है। ठीक है, यहाँ पर पिक्चर्स बनी हुई है ना, तो इसलिए आप लोगों ने पिक्चर्स को देखते हुए अपने बेस्ट फ्रेंड को लेटर लिखा है। यहाँ पर आपने नीचे अपना नाम लिखना है। यहाँ पर हमारा बुक वर्क कम्प्लीट हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम कॉपी वर्क करेंगे। जज़ाकअल्लाह।